हाय गाइस, मैं हूं अमन गुप्ता। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएनडी बाय गुप्ता जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम एक ऐसी गाड़ी का शूट करने जा रहे हैं जो मेरी खुद की बहुत पर्सनल फेवरेट कार है उस सेगमेंट में, जो ऑलमोस्ट यंगस्टर की उस सेगमेंट की बहुत ही फेवरेट कार है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसी की के साथ एक गाड़ी आती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड होल्ड के साथ बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है, जिसमें आप होल्ड करके रखते हैं तो आपका बूट कुछ हद तक ऊपर उठ जाता है। तो वरना के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसे फ्रंट प्रोफाइल के साथ आती है ये गाड़ी, जिसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर ऑफर किए जाते हैं, बट प्रोजेक्टर के अंदर हैलोजन बल्ब का प्रयोग किया गया है जो एलईडी के साथ रिप्लेस किए जाने चाहिए थे। ये साइड में आपको टर्न इंडिकेटर दिए जाते हैं, नीचे के साइड फॉग लाइट ऑफर की जाती है। कुछ ऐसी ग्रिल के साथ ये गाड़ी आती है जिसमें डार्क क्रोम का यूज किया गया है, नीचे के साइड भी स्किट प्लेट भी डार्क क्रोम में दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 195/55 R16 की टायर प्रोफाइल के साथ ये गाड़ी आती है। डोर हैंडल्स पर भी क्रोम का यूज किया गया है। रियर में शार्क फिन एंटेना गाड़ी ऑफर करती है, डिफॉगर ऑफर किया जाता है, सेडान गाड़ियों में नॉर्मली वाइपर ऑफर नहीं करती है गाड़ियां। रिवर्स कैमरा एंड 4 पार्किंग सेंसर के साथ ये गाड़ी आती है। बूट ओपन के लिए नीचे से आप बूट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 480 लीटर का बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है। बूट का गेट मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। कुछ ऐसे ड्यूअल टेल लाइट्स के साथ ये गाड़ी आती है जो कि बड़ी दिखने में सेक्सी लगती है। नीचे की साइड पे डार्क क्रोम का यूज किया गया है। बोथ साइड रिफ्लेक्टर दिए गए, नीचे की साइड SX की बैजिंग है जो कि इसका मॉडल है, हुंडई का बैजिंग है सेंटर में, वरना जो कि गाड़ी का नाम है। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी ऑफर करती है, पैसेंजर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो फुली डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक गाड़ी आती है, जिसमें आपको सेंटर में एक यूनिट मिल जाता है जिसमें आप ड्राइव इन्फो, एक्युमुलेटेड इन्फो, फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टीयरिंग के साथ एक गाड़ी आती है। लेफ्ट हैंड साइड आपको मीडिया कंट्रोल, राइट हैंड साइड आपको क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है। सेंटर में हुंडई का लोगो एंड एयरबैग आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर कंट्रोल्स, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट कंट्रोल्स ऑफर करते हैं। यहाँ आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। ड्राइवर साइड पे पावर विंडो, लॉक अनलॉक, मिरर एडजस्टमेंट एंड इसमें ऑटो फोल्ड मिरर नहीं आते हैं, बट इसको दबा के आप गाड़ी के मिरर फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। मीडिया इंफोटेनमेंट की बात करें तो 8 inches फुल टच स्क्रीन सिस्टम के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें आपको बड़ा अच्छा टच सिस्टम दिखने के साथ मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ये सपोर्ट करता है। नीचे की साइड बात करें तो इसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB सॉकेट, एक फास्ट चार्जर USB सॉकेट दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ ये गाड़ी आती है। सेंटर में आपको गियर नॉब मिल जाता है। पीछे के साइड में 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक एंड एडजस्टेबल स्लाइडिंग आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसमें अंदर की साइड भी बहुत अच्छा स्टोरेज इस पर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में ग्लव बॉक्स आपको कंपनी ऑफर करती है, जो कि कूल ग्लव बॉक्स दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में पावर विंडो, बॉटल होल्डर आपको कंपनी ऑफर करती है। IRVM आपको ऑटो एडजस्टेबल मिल जाता है नाइट और डे के लिए। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, जिसमें कोई लाइट ऑफर नहीं की जाती। पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर, केबिन लाइट्स एंड आपको छोटी सी सनरूफ गाड़ी मिल जाती है। सनरूफ का कवर जब खुलते टाइम तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, बट बंद करते टाइम आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। ग्लास आपका ऑटोमेटिक है जो वन टच ओपन वन टच क्लोज हो जाता है। ड्राइवर सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट में मिल जाता है। बूट और पेट्रोल ओपन लिड आपको यहाँ पे दिए गए हैं।
ड्राइवर साइड में आपको कप होल्डर और सन अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। एक स्पीकर एंड एक ट्विटर कंपनी आपको गेट्स में प्रोवाइड करती है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है इसमें। रियर सीट स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा सीट स्पेस कंपनी ऑफर करती है। रियर डोर्स की बात की जाए तो पावर विंडो एंड बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। एक स्पीकर रियर गेट पे भी आपको मिल जाता है। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो अच्छा खासा सीट स्पेस ऑफर किया जाता है। आगे की सीट जैसे है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा लेगरूम ऑफर किया जाता है गाड़ी में। पीछे की साइड में भी आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। रियर सीट में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है जो दो कप होल्डर्स के साथ में आता है। रियर में आपको कंपनी की तरफ से सनशील्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। उस साइड आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो इसका इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 4 सिलेंडर 113 bhp पावर एंड 144 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर शुभम मल्होत्रा से। आइए सर। हेलो गाइस, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आप हमारे दर्शकों के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज शुभम मल्होत्रा, आई हेल फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ एंड आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ वर्ना Hyundai Verna Nexgen 2021। तो सर ये Hyundai Verna लेने का रीजन, मतलब इस सेगमेंट में अच्छी खासी लोग मतलब Honda City को ज्यादा प्रेफर करते हैं Verna के अगेंस्ट में। CS भी आती है इसके कंपटीटर में, Skoda आ जाती है। Verna मेरे हिसाब से अमन जी Verna एक ऐसा ब्रांडिंग है Hyundai का जिसको कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेफिनेटली Verna का चार्म यंगस्टर में, तो दिस इज द फर्स्ट चॉइस आई बिलीव कि इसके अलावा और कोई चॉइस मेरे को लगता नहीं सियाज में कुछ जाते हैं। दिस इज अ बिजनेस क्लास ऑलरेडी, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट Hyundai जो ऑफर करता है सेडान के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर, इतने सारे फीचर्स के साथ में। मेरे को नहीं लगता सियाज भी आ रही है, मेरे को नहीं लगता Honda City भी आ रही है। डेफिनेटली Verna का एक चार्म अलग है यंगस्टर के बीच में, जो लुक्स प्रोवाइड करती है, जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है एंड दिस लुक्स वेरी सेक्सी। इसके साथ में अगर इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल इंटीरियर प्रोफाइल आप चेक करेंगे सो एवरी फीचर यू गेट इट, जो भी नीडफुल प्रोडक्ट फीचर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर सब यूजफुल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा यार क्यों दे रखा है, मुझे पता नहीं क्यों है आपको। दिस इज रियली अमेजिंग। सबसे पहली बात, जयपुर राजस्थान जैसी सिटी, जो रेगिस्तान जैसी सिटी है, वहाँ पे ये कलर चूज करने का रीजन? कलर, दिस इज नॉट अ ब्लैक कलर, दिस इज अ मिडनाइट स्टेरी नाइट कलर। इसमें बेनिफिट आपको ये रहता है कि डार्क है एब्सोल्युटली, आपको डेली मेंटेनेंस चाहिए इसके ऊपर कोई ना कोई साफ करने के लिए, नहीं तो आप देखेंगे अभी सुबह मेरे साफ कर ली गाड़ी और थोड़े से वापस बैचेस आ गए हैं इसके ऊपर। डेफिनेटली दैट्स करेक्ट, लेकिन दिस इज स्टेरी नाइट, धूप में आपको ये ब्लू दिखेगा, रात को ये ब्लैक शो करता है। I personally love this color and that's why I bought it. Definitely, Verna black में जो sexy लगती है ना, वो और कोई गाड़ी match नहीं कर सकती इस level पे। So, but इस color में जैसे scratches बड़ी जल्दी visible होते हैं, तो आपने इसको कोई paint production film या कोई ceramic coating या कुछ ऐसा कराने का क्यों नहीं सोचा? मतलब review करा है ceramic coating वगैरह भी, ceramic coating is not recommended actually. PPF is what people recommend. PPF के I checked, they were asking for like 70-80,000 rupees इसके PPF के लिए। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि अगर आप नई गाड़ी शोरूम से लेते हैं तो कराइए, चाहे आप 2 साल बाद कराइए, इट विल कॉस्ट यू द सेम। तो क्यों ना जब 2 साल बाद मेरे को वही पैसा लगेगा तो मैं इसको 2 साल बाद 5 साल के लिए करा के 7 साल नहीं रख। लेकिन 2 साल बाद कराएंगे, जब तक आप 2 साल चलाएंगे तब तक तो ऑलरेडी इसकी ओरिजिनल पेंट पे स्क्रैचेस लग चुके होंगे, तो फिर 2 साल कराने का मतलब दे विल रिमूव ऑल दी स्क्रैचेस फ्रॉम द पेंट दैट कैन हार्म योर ओरिजिनल पेंट। यस, यू आर राइट। तो जैसे कि आपने गाड़ी ये कितना किलोमीटर चला दिया अभी तक ये गाड़ी आपने? गाड़ी अमन जी मैंने अभी 6000 किलोमीटर चलाई है। मैंने ये लास्ट अगस्त में खरीदी है, अगस्त 21। तो जैसे 8 महीने में आपने करीब करीब 6000 किलोमीटर चला दिए गाड़ी को, तो आपने मतलब सिटी राइड्स में यूज करते हैं या कभी लॉन्ग ट्रिप्स भी आपने? लॉन्ग ट्रिप्स यूजुअली ज्यादा यूज होती है क्योंकि इसको लॉन्ग ट्रिप पर चलाने का मजा ही कुछ अलग है। मेरे पास एक गाड़ी और भी है वो मैं सिटी में यूज करता हूँ, छोटी है वो, हैचबैक है। ऑन टॉप ऑफ इट मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है सो इतना ज्यादा सिटी रनिंग है नहीं, आई एम अ एमएनसी एम्प्लॉई, तो हाईवे पे ज्यादा काम आती है, वीकेंड ट्रिप पे ज्यादा काम आती है। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास Hyundai Ion है, I'm a Hyundai lover. तो Ion मतलब एक हैचबैक, मतलब एंट्री लेवल हैचबैक चलाने के बाद आप सीधे सेडान पे शिफ्ट हुए, तो मतलब आपने एक मेजर चेंज है कि मतलब एक हैचबैक कैटेगरी से सेडान कैटेगरी पे आना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। Ion इज 800 cc इंजन, दिस इज 1.5 1500 cc इंजन, पानी की तरह चलती है, नो डाउट अबाउट इट। परफॉर्मेंस इज ए लेवल, ए प्लस लेवल। राइट, सो जैसे Hyundai आपने सेडान सेगमेंट प्रेफर किया, आजकल के टाइम पे कॉम्पैक्ट एसयूवी का बड़ा फैशन चल रहा है एक मार्केट में, कि मतलब आजकल जो यंगस्टर हैं, जो भी मतलब आजकल गाड़ी लेने जाते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी का जरूर ट्राई करता है।
तो हुंडई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी प्रोवाइड कराती है, वेन्यू से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्रेटा, बड़ा अच्छा जो मतलब इंडिया की नंबर वन एसयूवी थी एक टाइम पे, अभी तो नेक्सॉन है खैर, बट इतना ही क्रेटा को भी लोग अभी उतना ही प्यार करते हैं। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी पे ना जाके सेडान पे जाने का रीजन? सिंपल सा आंसर फॉर मी, आई एम अ सेडान लवर। ओके, मतलब ये रीजन था, एब्सोल्युटली राइट। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन दोनों चीजों में, आप अगर कंपेयर करेंगे हुंडई डीलरशिप पे तो आपको यही बोलेंगे सेडान से ज्यादा हमारी बुकिंग जो चल रही है वो क्रेटा पे, वर्ना पे और सॉरी वेन्यू पे चल रही है। लेकिन आई एम अ सेडान लवर एंड दैट्स व्हाई आई बॉट दिस ब्यूटी। ओके, सो आपने जब अगस्त 21 में परचेस करा, आपको ये आपने हुंडई वर्ना SX 1.5 लीटर इंजन परचेस किया, फोर सिलेंडर, ये कितने का पड़ा आपको? ये मुझे 13,20,000 रुपए का इसका प्राइस क्लेम करती है गाड़ी, कंपनी जो करती है, लेकिन मुझे डिस्काउंट थोड़ा मिला हुंडई, बिकॉज आई एम अ लेजिट कस्टमर, लेजिट क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन, तो मुझे ये पड़ी थी 12,80,000 के आसपास। ओके, फुली इन शॉर्ट 5 इयर्स एंड देन ऑल द एक्सेसरीज वाइजर एंड स्टफ, तो ये सब कुछ मिला मिलू के मेरे को 12,80,000 के आसपास। ओके, सो SX मॉडल परचेस करने का रीजन, इसके ऊपर एक SX ऑप्शनल भी आता है जो आपको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, SX O भी आता है इसके अंदर, लेकिन दैट विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस मॉडल। ओके, उसके अंदर डिफरेंसेस मेजर जो है वो 6 एयरबैग्स हैं, आपके अलॉयज डिफरेंट है और वेंटिलेटेड सीट्स है, मेजरली यही डिफरेंसेस है एंड मुझे नहीं लगा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना इज वर्थ। आपको इसके अलावा मतलब इस गाड़ी के हिसाब से थोड़े आउटडेटेड नहीं लगते हैं? मतलब जो ऑप्शनल में अलावा आते हैं वो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा मच बेटर हैं इस गाड़ी के हिसाब से, लेकिन कंपनी 2 लाख चार्ज करी है तो ऑब्वियसली कुछ तो रखेगी। सो आपने प्लान नहीं करा अलावा चेंज कराने का? प्लान करा है लेकिन आई एम नॉट राइट नाउ, अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी को चलाना चाहता हूं। ओके, देन आई विल ट्राई एंड गेट अ 18 इंचेस व्हील इन दिस। तो जैसे आपने बताया आप प्लान कर रहे हैं 18 इंचेस व्हील लगाने का, अभी जैसे कंपनी जो ओरिजिनल व्हील ऑफर करती है आपको 16 इंचेस का है, right. तो 18 इंचेस लगाने का रीजन मतलब उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से जो ओरिजिनल टायर साइज होता है वही आपको प्रेफर करना चाहिए। सो 18 इंचेस लगाने का कुछ रीजन? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस थोड़ा सा वही स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी लुक्स के लिए। ओके, दिस इज ऑलरेडी वरना बहुत स्पोर्टी लुक में आती है, सो 18 इंच मुझे व्हील लगाने के बाद मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। राइट, दैट्स जस्ट द थिंकिंग, पता नहीं अभी करेंगे नहीं करेंगे। ओके, सो जैसे आपने अभी तक ज्यादा चलाई नहीं है, 6,000 किलोमीटर ही चलाई है गाड़ी को, तो ये माइलेज क्या आपको दे रही है गाड़ी? माइलेज अमन जी अगर सिटी की बात करें तो हमको ज्यादा नहीं देती है ड्यू टू द परफॉर्मेंस दैट दिस प्रोवाइड, ये आपको देगी करीबन 11 से 12 का एवरेज। ओके, और अगर हाईवे की बात करेंगे आप तो मिनिमम 16 का एवरेज निकाल देती है, मैक्सिमम लॉन्ग रन हाईवे अगर तो 18 तक भी चली जाती है। ओके, विद एसी। ओके, तो गाड़ी जैसे आपने अभी तक हुंडई से जो ओरिजिनल गाड़ी आई थी सेम वैसे ही रखी है, कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराने का अभी प्लान आपने किया? कोई प्लान नहीं है, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ माय कार मैंने इसमें अंदर कारपेट लगवाया है ग्राउंड क्लियरेंस ग्लव ग्राउंड पे, और बस ये थोड़े से सनशेड्स वगैरह लगाए, दैट इज ऑल। ओके, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल लुक्स, जिस रीजन से आपने गाड़ी परचेज करी ये गाड़ी आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल कर दिया, आई एम अ हैप्पी कस्टमर। कितना सेटिस्फाई है आप गाड़ी में, गाड़ी से आउट ऑफ 10? 10 on 10 सेटिस्फाई, मतलब आप गाड़ी में से 1% एक कोई मार्क भी कट नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, कुछ जस्टिफिकेशन है चीजों की, जो ड्रॉबैक्स है मेरे हिसाब से माइलेज हो गया। ओके, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, दीज आर द ड्रॉबैक्स, लेकिन ये जस्टिफाई करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, जब मिलती है तो आपको एवरेज नहीं चुकता है, जब आपको गाड़ी अच्छा अच्छे पक्के चलती है तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी खराब नहीं लगता है। right. मैंने इसको 6,000 चला लिया है, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि कहीं ब्रेकर पे लग रही है या फिर कुछ गड्ढे में प्रॉब्लम दे रही है। तो सर इसका नंबर भी बड़ा आपने फैंसी से लिया है, 8666। राइट, ये मतलब आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मिला या आरटीओ से आपको कोई मतलब सेटलमेंट था कुछ? मतलब आईडी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे था, लेकिन मेरा थोड़ा सा शोरूम में जान पहचान थी। ओके, और आरटीओ में थोड़ा सा था सेटिंग पापा का, दैट्स व्हाई इसलिए मेरे को ऐसे मिल गया, मतलब आई हैवंट आई हैड आई डिड नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। ग्रेट, सो मतलब ये 8666 चूज करने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन या मतलब? दिस इज लकी फॉर मी, 666 की डिमांड करी थी मैंने, मिला नहीं है, 8666 था तो सेटल होना पड़ा मुझे 8666। शुभम जी, आप जैसे गाड़ी के परफॉर्मेंस से ओवरऑल आउट ऑफ 10 सेटिस्फाइड हैं, तो इसके म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, चारों गेट्स में आपको स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ एक गाड़ी ऑफर करती है स्पीकर सिस्टम, तो साउंड आउटपुट आपको कैसा लगता है? साउंड आउटपुट बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई सबवूफर की जरूरत नहीं है अमन जी, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मतलब अगर आप एक कॉलेज क्राउड की बात करेंगे तो सबवूफर की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को नया नया शौक होता है, लेकिन अगर आप बेसिक साउंड की बात करें विद अ गुड साउंड इफेक्ट विद अ गुड साउंड बेस एंड अ ट्रिबल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सो जैसे आपने ज्यादा तो यूज नहीं करी सर गाड़ी को, जी, तो इसके अपन प्रॉज एंड कॉन्स, तो मतलब कॉन्स तो आपसे पूछना ही मतलब बेईमानी होगी, जैसे आप ऑलरेडी 10 out of 10 रेट कर चुके हैं गाड़ी को, तो आपको तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गाड़ी से, बट फिर भी अगर कोई एक डिसएडवांटेज पूछूं आपसे इस गाड़ी का, या कोई ऐसा जो फीचर जो आपको मिसिंग लगता है इस गाड़ी के अंदर?
डिसएडवांटेज अमिन जी पूछेंगे तो आप मेरे से, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कभी कभी इशू लगता है, लेकिन मेजरली आपके डेली यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा आपको मतलब और कोई दिक्कत इस गाड़ी से नहीं मिली है? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा कोई दिक्कत नहीं। और पॉजिटिव अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मुझे लगता है आप गिनाने पे आएंगे तो खत्म आज ये वीडियो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी ऐसा कोई मेजर पॉजिटिव जो आप बताना चाहें कि एक प्लस है इस गाड़ी का? मेजर पॉजिटिव में आप इसकी बिल्ड क्वालिटी पे बिल्कुल छोड़ रही है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इसके एक्सीडेंटल रिव्यूज वगैरह बहुत चेक किए हैं, चेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाड़ी का, फीचर्स बहुत लोडेड है, प्लस ब्रेकिंग सिस्टम ABS ABD के साथ में आता है। जैसे आपका कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन बनती है, आप ब्रेक पुश करेंगे, आपकी दोनों सीट बेल्ट, आपका स्टेयरिंग कंट्रोल और आपके चारों टायर फ्लैट बिल्कुल सड़क पे चिपक जाएंगे, गाड़ी कहीं भी स्किट नहीं होगी, बिल्कुल सीधी सीधी रुकेगी गाड़ी जहां भी रुकेगी, ना आप आगे की तरफ बेंड हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द सीट बेल्ट फीचर। स्टेयरिंग आपका कभी भी इधर उधर नहीं होगा क्योंकि ABS EBD है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी स्किट नहीं होगी। सो ऑल इन ऑल आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस कार। सेफ्टी पर्पज, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंटरटेनमेंट पर्पज, सनरूफ, हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर लैम्प्स, एवरीथिंग इज गुड इनफ। ग्रेट सर। सो जैसे मतलब ये तो पूछना ही शायद गलत सवाल होगा कि आप ये गाड़ी किसी को रिकमेंड करेंगे, तो डेफिनेटली मतलब जो आपने अभी तक आपका ओपिनियन दिया उसके हिसाब से तो आप डेफिनेटली ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे इस रेंज। मुझे ऐसा लगता है ये गाड़ी रिकमेंड करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी ली मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड किए थे, आई गॉट लाइक प्लेंटी ऑफ टेक्स्ट कि दिस इज माय ड्रीम कार एज वेल, आई रियली वांटेड टू बॉट इट। डेफिनेटली एक वरना का फैन बेस ही अलग है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से जब वरना लॉन्च हुई थी फ्लूडिक मॉडल के बाद से तो वरना का एक फैन बेस ही अलग क्रिएट हो गया था। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ शुभम जी, गाड़ी का रिव्यू शेयर करने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।